For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. पलक मुछाल ने इंडस्ट्री में कई सारे कमाल के गाने गाए हैं, मगर उनका करियोग्राफ हमेशा ऐसा नहीं था और शुरू शुरू में उन्हें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मुंबई में अपने सपने पूरे करने आई पलक को 60 दिन बाद किसी ने सलमान से मिलने की सलाह दी। उस वक्त सलमान सेट पर शूट कर रहे थे और उन्होंने पलक से कुछ गाने को कहा। पलक को याद है कि उन्होंने लंबी जुदाई गाना गाकर सलमान को इम्प्रेस किया और उन्होंने तुरंत उससे कहा कि जल्द ही तुम मेरी फिल्म का गाना गाओगी। फिर क्या, सलमान तो अपने कमिटमेंट के पक्के हैं और इस तरह पलक को मिल गया ब्रेक। तब से ही पलक ने सलमान के अलावा कई स्टार्स के लिए अपने गाने गाए हैं, पर आज भी वो उन्हें ही अपना मेंटोर और गॉडफादर मानती है। एक इंटरव्यू के दौरान पलक ने ये भी कहा कि सलमान खान उनके लिए किसी एंजल यानी कि फरिश्ते से कम नहीं है। तो पलक के इस रेवलेशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। साल 2013 में इंटरनेट पर रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के स्पेन हॉलीडेज वाली पिक्चर वायरल हो गई थी और इन पिक्स को देखकर सभी को पता चल गया कि ये दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। हालांकि दोनों लव बर्ड्स ने पहले तो इस इशू को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर फिर दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इन पिक्स के लीक होने पर अपनी नाराजगी जताई। उस वक्त सभी कटरीना के एक्स सलमान खान का रिएक्शन जानना चाहते थे, पर वो भी इन सवालों को इवेट करते रहे। मगर हाल ही में उन्होंने उन पिक्स का जिक्र करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो तस्वीरें ना कुछ वो पब्लिसिटी स्टंट था और वो मॉर्फ तस्वीरें हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो रणबीर तो होंगे ही, पर मुझे वो कटरीना नहीं लगती, फेस होगा किसी और की बॉडी होगी, मॉर्फ तस्वीरें। वेल, इस स्टेटमेंट से सलमान ने ना सिर्फ कटरीना को क्लीन चिट दे दी, मगर साथ ही उन्होंने इस इशू को एड्रेस करते हुए कहा, पर सोचिए कोई छुट्टी पर गया है पर्सनल हॉलीडेज पर और किसी ने वो तस्वीरें खींच के डाल दिया है, हाउ डिस्गस्टिंग। ये हमारी माँ बहनों के साथ भी हो सकता है। जब आपकी माँ या बहन के साथ ऐसा कुछ होगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो सलमान के इस रिएक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इन दिनों क्लासिक सॉन्ग्स के रीमेक का दौर चल रहा है और हमने बॉलीवुड की कई फिल्मों में पुराने गानों को रीपैकेज होते देखा, जहां कई बार ये रीवैम्प्ड वर्जन्स काफी कमाल के होते हैं, वहीं कुछ बन जाते हैं डिजास्टर्स। पर ये तो बनाने वाले पर ही डिपेंड करता है। हाल ही में हमने देखा कि सोनाक्षी सिन्हा फिल्म टोटल धमाल में इनकार फिल्म के मुंगड़ा गाने के रिप्राइज्ड वर्जन का हिस्सा बनी। अब ये गाना तो पहले से ही कल्ट था, आखिर क्यों ना हो। इस गाने को कैबरे क्वीन हेलेन ने जो परफॉर्म किया था, कई लोगों को इस गाने के रीवैम्प्ड वर्जन में सोना का बोल्ड लुक बहुत पसंद आया, मगर वहीं कुछ लोगों को लगा कि ये गाना करके उन्होंने हेलेन की इंसल्ट की है। इंटरनेट पर भी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ हेट मैसेजेस आने लगे और आखिर इंद्र कुमार ने इन लोगों पर ब्लास्ट करते हुए कहा कि जब इश्क फिल्म का नींद चुराई मेरे गाने को रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म में रीमेक किया, तब किसी को कोई इशू नहीं था। अब जहां सभी इस गाने पर कोई न कोई रिएक्शन दे रहे थे, वहीं सभी को सलमान के रिएक्शन का भी इंतजार था, क्योंकि इस बार कॉन्ट्रोवर्सी उनकी माँ हेलेन और उनकी दबंग को-स्टार सोनाक्षी सिन्हा को लेकर थी। मगर हैरान की बात तो ये है कि सलमान ने अब तक इस इशू पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब सलमान की चुप्पी का राज क्या है, ये जानना बाकी है। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी कई मजेदार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए। वेट वेट मैम, मैम 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 मैडम जी, वेट वेट मैम, मैम 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 मैडम जी, बढ़िया मैम, बढ़िया जी,
वेट मैम मैम मैडम जी भैया मैं इन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं। ये फिल्म इस साल जून में रिलीज होगी, मगर इस फिल्म के रिलीज के पहले ही भाईजान बिना ब्रेक लिए सीधे अपने भाई अरबाज खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। जी हाँ, काफी समय तक दबंग की ट्रिक्वेल को बैक बर्नर पर रखने के बाद सलमान फाइनली इस फिल्म को अप्रैल में शूट करेंगे और प्रभु देवा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का स्केड्यूल करीब 100 दिनों में रैप अप होगा। क्या मगर सलमान की शूटिंग्स तो काफी लंबी चलती है। Well, इस बार लगता है कि सलमान अक्षय कुमार का फॉर्मूला अपना रहे हैं और अप्रैल से लेकर मिड जुलाई तक एक स्ट्रेच पर शूटिंग को रैप अप करने वाले हैं, जिसके बाद ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन फेज में पहुंच जाएगी। अब ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस साल भी फैंस को सलमान की एक नहीं बल्कि दो फिल्में एंजॉय करने को मिलेंगी, तो है ना ये मजेदार खबर। नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान अपनी फैब बॉडी के लिए जाने जाते हैं और उनका शर्टलेस अवतार सभी को दीवाना कर देता है। हाल ही में हमें ये पता चला है कि सलमान की बॉडी ने न सिर्फ उनके फैंस को बल्कि इंडस्ट्री के कई लोगों को भी इंस्पायर किया है। एक इंटरव्यू के दौरान हमने देखा कि सिंघम स्टार अजय देवगन भी सलमान की तारीफ कर रहे थे। अजय ने कहा कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में फिटनेस का ट्रेंड शुरू तो संजय दत्त ने किया, लेकिन फिर सलमान ने उसे फॉलो किया और आज तक करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए सलमान की बॉडी बेस्ट बॉडी है, मुझे हमेशा ऐसी बॉडीज पसंद हैं जिसे देखकर मैनली फीलिंग आए और सलमान की बॉडी में वो बात है। अजय देवगन ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में परफेक्शनिस्ट के नाम से फेमस आमिर खान भी सलमान की बॉडी से इम्प्रेस्ड हैं। हालांकि फिल्म गजनी में आमिर ने भी अपनी बॉडी पर खूब काम किया, मगर फिर भी उन्हें लगता है कि ओरिजिनली लीन मस्कुलर और वेल कट अप बॉडी अगर किसी की हमेशा से रही है तो वो सलमान खान की। आमिर ने कहा कि सलमान एक ऐसे इंसान है जो कंसिस्टेंटली अपने फिटनेस रिजीम को फॉलो करते हैं, वो मेरे आइडियल है, मैं फिटनेस में उनका लोहा मानता हूँ। आगे आमिर ने ये भी कहा कि वो कपड़ों के साथ हो या फिर बिना कपड़ों के, वो हमेशा अच्छे लगते हैं। वेल, इंडस्ट्री में सलमान की बॉडी की ये चर्चा सुनकर आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। इन दिनों सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सलमान खान ने मलाइका अरोड़ा को अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 से आउट करके उनकी जगह करीना कपूर खान को चुना है। हालांकि मलाइका का मुन्नी बदनाम हुई गाना काफी हिट रहा और आज भी काफी पॉपुलर है, मगर सलमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये कदम उठाकर मलाइका को क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि वो उनके और अर्जुन कपूर के रिश्ते से सहमत नहीं है। वेल, आखिर कई दिनों तक चुप रहने के बाद मलाइका ने भी इनडायरेक्टली ही सही मगर सलमान के इस डिसीजन पर रिएक्ट करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आइटम नंबर किसी तरह का लेबल या टैग लगाते हैं। मैंने बहुत सारे आइटम नंबर्स किए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं मानती कि मुझे लेकर कोई धारणा बन गई है। मैंने हमेशा वही काम किया है जो करना चाहती थी। मैंने हमेशा गानों को तभी चुना जब पूरी कहानी समझी। पर्सनली अपनी बात करूं तो जो भी आइटम नंबर मैंने किए हैं मुझे बहुत पसंद है। वेल, तो अब इस स्टेटमेंट से मलाइका ने ना ही सिर्फ आइटम गर्ल के टैग के बारे में अपनी राय दी है बल्कि सलमान को भी किया है इनडायरेक्ट मैसेज। तो मलाइका के इस जुनून के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं।
ऐसा लग रहा है कि सलमान खान को कोरियन फिल्म से प्यार हो गया है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म भारत की रिलीज से पहले ही उन्होंने एक और कोरियन रीमेक के लिए हामी भर दी है। जी हाँ, भारत कोरियन फिल्म एन ओड टू माई फादर का ऑफिशियल अडेप्टेशन है जो इस साल जून में रिलीज होगी। पर अब इससे पहले ही सलमान ने एक और रीमेक को कंसिडर कर लिया। जी हाँ, सलमान कोरियन फिल्म वेटरन का रीमेक प्लान कर रहे हैं, जहाँ वो एक सुपर कॉप की भूमिका निभाते नजर आएंगे। सलमान खान के ब्रदर इन लॉ प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने तो इस फिल्म के राइट्स भी अक्वायर कर लिए हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही सलमान खान की एक और धमाकेदार एक्शन फ्लिक हमें एंटरटेन करेगी। तो आप ये खबर सुनकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें जरूर बताएं।